स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस बेस के अंदर गाइज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी में जो प्रैक्टिस चल रही उसी के क्वेश्चन थे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी करवाई आप सभी को। उसके बाद कुछ मैं आपको वैल्यूज लिखवाना चाहता हूँ जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलो उन वैल्यूज को लिखते हैं और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर करते हैं। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम आने वाले 2-3 लेक्चर्स में कर देंगे। तो चलो करते हैं। देखो भाई, पहले लिखते हैं साइन 18 की वैल्यू। साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 18 वैल्यू होती है √5 − 1/4। और साइन 18 इसके इक्वल होता है, बताओ आप। साइन 18 को ऐसे लिख सकते हैं हम 90 − 72। ये साइन 18 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 72। इसका मतलब cos 72 की वैल्यू इक्वल है साइन 18 के। आपको समझ में आ रहा है? तो चलो उसके बाद देखो, उसके बाद देखो cos 18 की वैल्यू। cos 18 की वैल्यू होती है √10 + √5। इन सभी वैल्यू को आप लिख लें, ठीक है। और cos 18 को हम लिख सकते हैं cos 90 − 72। इसका मतलब ये sin 72 की भी वैल्यू है, ठीक है, लिख लो। उसके बाद आता हमारा sin 36। इसकी वैल्यू होती है हमारा sin 36 की √10 − यहाँ पे माइनस आएगा −2√5/4। और आप सोचोगे आपके कैसा ये वैल्यू कैसे याद हुई? सब भाई मैंने सब वैल्यू मतलब बकायदा लिख लिख के याद किए हैं, 5-5, 10-10 बार इस वैल्यू को। और ये इक्वल होता है sin 36, ये होता है 90 − 54 = cos 54, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद sin cos 36 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4, जो इक्वल होता है cos 90 − 54। इसको लिख सकते हैं और इक्वल होगा sin 54 के। अब मैंने चार वैल्यू आपको बताई है और चार वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई है। ये एक sin 18 इक्वल होगा cos 72 की वैल्यू के, मतलब sin 18 की वैल्यू कितनी है? √5 − 1/4, वो इक्वल होगी cos 72 के, ठीक है। उसके बाद cos 18, cos 18 की वैल्यू है √10 + √5/4, जिसकी वैल्यू होगी sin 72 के इक्वल होगी। यहाँ पे क्या है? sin 36, sin 36 की वैल्यू कितनी है? √10 − √5/4, जो इक्वल होगी cos 54 के, ठीक है। और cos 36 की वैल्यू क्या है? √5 + 1/4, जिसकी वैल्यू इक्वल होगी sin 54 के, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ वैल्यू और है, सारी वैल्यू आपने नोट कर ली है, नहीं नोट की है तो वीडियो को पीछे जाके पॉज करके सारी वैल्यू लिख लो। चलो तो हाँ, तो भाई देखो, चलो अगली वैल्यू हमारी आती है sin 22। sin 22 की वैल्यू क्या होती है? √2 − √2/2, ठीक है। और इसको हम लिख भी सकते हैं sin 45/2। समझ में आपको बात? मैं क्या बता रहा था कि sin 45/2, चलो ठीक है। उसके बाद हमारी है वैल्यू cos 22 की, जिसकी वैल्यू होती है √2 + √2/2। इसको हम लिख सकते हैं cos 45/2, हमें अगर वैल्यू पूछी जाए तो ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारी वैल्यू आती है tan 22 की, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √2 − 1, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा cot 22। जिन जिन की वैल्यू पूछी जाती है वही वैल्यू करवा रहा हूँ आप सभी को। इसकी वैल्यू होती है √2 + 1। इसके बाद चार वैल्यूज और बच गई और ये सब वैल्यू आप नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपनी जगह ही वैल्यूज, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आप सभी को। तो उसके बाद देखो, अब वैल्यू बच गई sin 15 cos 15 tan 15 cos 15 tan 15 cot 15। साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ cos 65, इसको मैं लिख सकता हूँ 65
हाँ सर 65 कोस कोस 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 15 को साइन 65, ठीक है 65 15 कितना होगा 80, 75 होगा 90 के लिए, तो हाँ 75 75 सॉरी 75, और 10 कोट 75, यहाँ पे 10 75 वैल्यूज इक्वल होंगी, ठीक है चलो। तो साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन में 2/2 एंड √2 * में 2। देखो साइन 15 की वैल्यू इक्वल होगी कोस 75 की, क्यों इक्वल होगी वो इसलिए इक्वल होगी क्योंकि साइन 15 को हम लिख सकते हैं 90 - 75, ठीक है तो साइन चेंज हो जाएगा कोस 75, ठीक है। तो साइन 15 की वैल्यू कितनी है √3 - 1 अपॉन में 2√2, और कोस 15 की वैल्यू होगी √3 + 1 अपॉन में 2√2, और टेन 15 की वैल्यू होगी हमारी 2 - √3, और कोट 15 की वैल्यू को हमारी 2 + √3। ये हमारी वैल्यूज कंप्लीट होगी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, मैंने आपको सभी वैल्यू करवा दी, एक ऐसी चीज नहीं छोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कि आप मेरे को ये बोले सर आपने यहां से नहीं करवाया, हर चीज करवा रहा हूं आपको A to Z चीजें। चलो इसके बाद बचता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस आज वाले चैप्टर में करवा, आज वाली क्लास में आपको करवा दूं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। चलो भाई मैंने एक ट्रायंगल बनाई जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ये एंगल 30 है तो ये ऑब्वियस सी बात ही 60 हो जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रायंगल की जो वैल्यू मतलब एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है, 90 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल 90 तक फिक्स हो गया, उसके बाद 30 मैंने बता दिया आपको तो 60 बच गया, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC, तो एक बात बताओ इस एंगल की वजह से यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस √3 होगा, तो बेस कितना आ गया √3 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, तो उस अगर मैंने इस ट्रायंगल को इस साइड घुमा दी मतलब ऐसे कर दी मैंने इस ट्रायंगल को, 90 यहाँ पे आ गया, 60 यहाँ पे आ गया एंड 30 वहाँ पे चला गया, तो एक बात बताओ 60 की वजह से यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आएगा √3 और यहाँ पे बेस कितना आएगा 1, तो चीज़ें सेम है यहाँ पे भी बेस 30, अगर 30 वाला बेस लेते हैं जब आता है √3 बेस में, अगर यहाँ पे 60 वाला बेस लेते हैं तो 60 वाला बेस लेते हैं तो बेस आता है हमारा 1, समझ में आएगी बात को। फिर हमें अगर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन देखो हमें ये एंगल दे देंगे एक और हमें ये बता देंगे कि हमारा मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब एक सीढ़ी रखी है वो एक दीवार से ऐसे परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ से, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 30, तो और ये साइड दे देंगे AB साइड मीन्स दीवार की साइड दे देंगे, ये दे दी मीन्स 200 दे दी हमें, तो पूछेंगे कि हमारा BC निकालो, तो BC कैसे आएगा, अगर मैं इसके इंटू में 200 करता हूँ तो हमारी साइड 200 बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये साइड क्या आएगी, ये साइड आएगी 200 * √3, ये एंगल इस तरीके से काम आएंगे आप सभी को, मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें करवाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा चैप्टर है ही नहीं कि आपको प्रैक्टिस करवाने की जरूरत पड़े, क्योंकि इस चैप्टर में आपको खुद का नजरिया होना चाहिए, मेरी दृष्टि से मैं तो आपको बेसिक क्लियर करवाऊंगा, आपको थ्योरेटिकल चीजें करवाऊंगा जो चीजें आपके काम आएंगी, चलो ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद मैं आपको टाइप करवा देता हूँ कि इसमें टाइप कौन कौन सी होती है, एंगल से कराऊंगा, इसका रीजन क्या है एंगल से करवाने का, उससे आपको बेटर समझ में आएगा और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर ये कैसा है कि अगर मैं आपको अल्फा बीटा लेके समझाने लग जाऊंगा ना तो आपको पूरा दिमाग ऐसा हो जाएगा खराब कि आप सोच नहीं पाओगे। देखो अब उसके बाद आते हैं ऐसे, पहले एक एंगल डाला 45 का, फिर डाला 30 का, देखो ये 45 है और ये 30 है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको समझ में ना आए
कि आपको मतलब ऐसे देते हैं कि एंगल मतलब कि साइमल्टेनियसली देते हैं, तो एंगल को आपको लिखना हो तो ऐसे लिखा करो कि 30 बाद में ही आएगा, क्योंकि 30 का जो मतलब कि ये अपर्चर होता है ना, ये ज्यादा होगा, ज्यादा होगा उससे, मतलब देखो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, मीन्स इसका एंगल खड़ा होगा ज्यादा, इसका एंगल थोड़ा बैठा हुआ होगा, इसलिए पहले जो एंगल आएगा वो कम वाला आएगा और जो बाद वाला एंगल आएगा वो, अगर इस साइड से अगर पहले वाला एंगल देखे तो बड़े वाला आएगा, अगर इस साइड से पहले वाला एंगल देखे तो छोटा आएगा। ठीक है, देखो तो मैंने उस तरीके से बताया था कि 45 अगर एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये 1 और 1, और एंगल 30 के हिसाब से भी हमारा परपेंडिकुलर 1 आना चाहिए, तो ये चीजें तो सेम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बेस कितना आएगा 30 तक का, √3, कोई गलत नहीं। ट्राइंगल मैंने मान ली ए बी सी और डी, भाई मेरे को डी सी साइड निकालनी है, तो डी सी साइड इस हिसाब से निकलने वाली है √3 - 1। अगर हमें क्वेश्चन दे दे कि हमें ए बी साइड बता दे, या हमें साइड बता दे डी बी, हमें डी बी साइड बता दी कि हमारी 200√3 हमारी साइड डी बी, तो हमें डी सी निकालना, तो डी सी कैसे निकालेंगे, 200√3 - 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि 200√3 हमें अगर ये वैल्यू दे दी ये वाली, तो हमें इसमें से तो 1 थोड़ी ना कटाना, इसमें हमें कटाना 200, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल होगी 200 के, क्योंकि ये 1 मानेंगे तो ये वैल्यू 200√3 हो ही नहीं सकती कभी भी किसी मायने में। ठीक है, तो देखो तो 200√3 - 200, तो 200√3 - 1, इसका मतलब हमारे √3 - 1 की जो वैल्यू है वो हमेशा काम आने वाली। ऐसी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि एंगल से आपको बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, ये एक टाइप हो गई, उसके बाद एंगल वाला दिखा देता हूं आपको। देखो भाई मैं एंगल चेंज करता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा, मैंने ये एंगल चेंज किया आपको और ये एंगल चेंज कर दिया मैंने आपका, मैंने इस एंगल को 30 रख लिया और इसको बना दिया मैंने 60। अब बताओ अब यहां पे क्या आएगा, √3 और यहां पे आएगा 1। अब 60 के हिसाब से तो आपने परपेंडिकुलर कर दिया √3, लेकिन 30 के हिसाब से हमारा आपको परपेंडिकुलर आना चाहिए 1, तो इसके इंटू में 1। और हमें ये पूरा जो बेस निकालना है, अगर 30 के हिसाब से हम पूरा बेस निकालेंगे, मीन्स डीबी निकालेंगे, तो डीबी हमारा, डीबी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे √3 है ना वो इंटू में, जो हमारा ये इसका 30 का जो √3 आएगा उसके इंटू में आएगा, तो यहाँ पे हमारा बेस हो गया 3, तो सीडी कितना आ गया 2। तो देखो हमें ये दे दिया, ए बी दे दिया हमारा 200 दे दिया, ठीक है मतलब दे दिया, तो हमारा एक्चुअली में ए बी कितना करेंगे हम 200√3, इसी उसी हिसाब से हमारा सी डी कितना आएगा 200 × 2 मीन्स 400। ये चीजें हैं सारे। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने एंगल और चेंज कर दिया, उसके बाद मैंने एंगल चेंज कर दिया, इसको मान लिया मैंने 45, उसके बाद मैंने मान लिया इसको 45, तो 60√3 और ये 1 है, ये पूरा इसके हिसाब से ये 1 है, तो इंटू में 1, और इसके हिसाब से ये 1 पूरा है, लेकिन इसके हिसाब से 1 यहां पे खत्म हो जाता है, इसका मतलब √3 × 2 में होगा, क्योंकि हमारा एंगल बेस पूरा निकालने के लिए, ठीक है ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा √3, और डी सी कितना हो जाएगा √3 - 1, और ऐसे हम अगर वैल्यू देंगे तो वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो सारा आपके माइंड गेम की थिंकिंग है, ना कि मैं आपको क्वेश्चन करवा के, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको सारे, प्रैक्टिस करवा दूंगा सारे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका फायदा होगा आपके खुद के चीजों से। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक टाइप बचती है वो करवाऊंगा आपको, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो आप नहीं कर पाओगे, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, किसी प्रकार की वैल्यू प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे को बता दिया करो, मेरे को कमेंट कर दिया करो। देखो भाई मेरे को दे दिया ये थीटा दे दिया, तो ये 90 - थीटा दे दिया, ठीक है मीन्स एक 30 दे दिया और एक 60 दे दिया, तो की वैल्यू है ए बी सी और डी, और हमें हाइट दे दी एच, तो हमें हाइट दे दी हो और हमें ये पूछा हो ये ए है और ये बी है, तो इन एंगलों के लिए हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू में
ए बी, मीन्स अगर हमें हाइट पूछी जाए, अगर ये दोनों चीज़ दे रखी हो ए और बी और एंगल 90 माइनस थीटा और थीटा दे रखा हो, तो सीधा हम एच निकाल देंगे, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू में ए इंटू में बी। मैं मीन्स अगर हमें ये दे रखा हो 9, ए दे रखा हो 9 एंड बी दे रखा हो 4, देन हमारा एच आ जाएगा 9 इंटू में 4 इज इक्वल टू में 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर भी खत्म होता है और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खत्म हो गया, पूरा ए टू जेड। अब हमारी बस्ती है ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और आपको इन्हीं बीच में अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई कैसे भी क्वेश्चंस में, आप हमारे कमेंट में कर दिया करो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आपको बाकायदा पूरे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारी वीडियो कितना प्यार दे रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।